तो अब हो जाए खुल के तालियां। और हमारे इन कलाकार दोस्तों के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मालिक आए जल्दी शोभा लेके आओ। रोहन भाई आप दुकान खोल के गए थे, अच्छी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, एक दो छोटी छोटी दुकान संभाल ली इस बार। आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाई ये जो आपने काम किया ना बड़ा अच्छा, पहले ना ऐसे वाले फ्रूट हमने कभी देखे नहीं थे। ये आपकी प्रोडक्शन में है, ड्रैगन फ्रूट हमने सुना नहीं था भाई कभी। वो भी आया है, जब से आया हम तो यही सोच रहे हैं छीलना कहाँ से है। मतलब मजा आ रहा है। तो जैसा कि कौन सा ड्रैगन फ्रूट है, कौन सा भाई ड्रैगन फ्रूट है, इधर ये देखिए, ये देखिए, इसको छुपा के, ये थाईलैंड का जंगली फ्रूट है। अच्छा जी, हाँ हर कोने कोने में बिकता है। इधर तो हम हवा बना हुआ है, बहुत ज्यादा ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट खाओ और अंदर से आग निकालो। तो आप सब जानते हैं कि सलमान भाई हर साल ईद पे अपनी बम्पर हिट फिल्म देख के अपने चाहने वालों को ईदी देते हैं। ईदी नहीं देते, ईदी लेते हैं। पिक्चर पिक्चर देते हैं ईद पर, और जब आप लोग देखते हो तो उसमें हमें ईदी मिलती है। जी पिछली बार नहीं मिली ट्यूबलाइट में। इस बार डबल चाहिए, डबल नहीं ट्रिपल चाहिए। और एक पेनल्टी भी होगा। देखो पिक्चर का नाम भारत है, हम लोग भारत में रहते हैं, और अगर भारत आप नहीं देखोगे तो पाप लगेगा। भाई ये ना अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जो आपका वो चेक आता है हर महीने पेमेंट का, तो मतलब ईदी उसी में इंक्लूड है कि अलग से कैश मिलेगा? देखो देखो चेक आ रहा है और बाउंस नहीं हो रहा है, यही बड़ी बात है। वैसे इन्होंने तो ईदी कब से ले ली सिद्धू साहब से। भाई ट्रेलर में आपने एक डायलॉग बोला है कि मेरे सर में और दाढ़ी में जितने सफेद बाल नहीं है उससे कहीं ज्यादा मेरी जिंदगी रंगीन रही है। जी तो ये आपकी बायोपिक है? नहीं सर, अभी तक बाल दाढ़ी में और सर पे इतने सफेद नहीं हुए। जी तो मतलब कि जिंदगी उससे कई 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 ज्यादा रंगीन है। यस वेरी ऑनेस्ट आंसर, और ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। आमीन। भाई आपने इसमें पांच अलग अलग उम्र के किरदार निभाए हैं। जी एक दो जगह आपने गेटअप भी लिया है। जी कभी रियल लाइफ में भाई कभी ऐसा हुआ आपने कभी गेटअप लेके निकलना पड़ा आपको? सर एक बार बहुत अरसे पहले मैं किसी को डेट कर रहा था और फिर ऐसा मन किया कि किसी और को डेट करूं। अच्छा जी। मतलब सीरियस डेटिंग था नहीं, मतलब कि शुरुआत का, तो चूज कर रहा था उस वक्त 17-18 साल की उम्र होगी, मुझे जानती हैं तब से। अच्छा जी, जी। तो मैं सोचा कि शायद बुरा लगेगा पहली वाली को। तो मेरे अंकल डेंटिस्ट हैं, तो मैं उनके पास नकली दांत बना के चला गया। रियली? हाँ। तो वो जो जिनको मैं डेट कर रहा था तो एक्चुअली थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो सेकंड वाली थी। ओह ओके। हाँ। तो अभी वो तो करना पड़ता ना एक्स। हाँ जी, वापस अगर जिंदगी में आ जाए मिलना चाहे, तकलीफ में होते जाके मिलना पड़ता है ना। जी तो फिर भी प्रेजेंट वाली को थोड़ा सा दुख होता है, तो दुख बचाने के लिए मैंने जाके फॉल्स दांत बनवा लिए सर। अच्छा जी। ऐसे बाहर ऐसे दांत थे, और जैसे मैंने ओबरॉय में एंटर किया, अरे सलमान तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? तो मेरे साथ ये सब बहुत हुआ है। अब बागी में तो बाड़ी की पिक्चर थी। अच्छा जी। सो डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, तो हम जाके देखे तो से क्या है माहौल क्या है, तो मैंने यहाँ तक के रुमाल पहना। अच्छा। जैसे मैं एंटर हुआ, अरे सलमान आया, सलमान आया। भाई आपको चाहने वाले जो आंखों से पहचान लेते हैं। जी अच्छा आप सब जानते हैं सलमान भाई बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। भाई आपकी पिक्चर्स हम लोग देखते रहते हैं इंस्टा पे, कभी कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर्स दिख जाती हैं, और भाई बहनों की कृपा से मामू और चाचू भी बन चुके हैं। yeah. और बच्चों को उठाते होंगे आप। अच्छा बच्चों को तो पता नहीं है कि कितने बड़े सुपरस्टार, बड़े होके पता चलेगा उनको। भाई कभी सुसु किया बच्चों ने आप पे? What a question. जितने भी बच्चे हैं जी, हाँ बारी बारी सब ने, एक बार नहीं तीन तीन चार चार बार। अच्छा मतलब के ऐसा होता था कि भाई जस्ट हैंडल और बच्चों को पिशाब आ जाता है।
और सिर्फ मामा और चाचा नहीं बनाऊ, जो मेरे कजन हैं मेरे से काफी बड़े हैं जी, अब उनके बच्चों की शादी उनके बच्चों के बच्चे हो गए, अच्छा। मैं दादा और नाना बन गया। अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी उनके बच्चे, तो शायद बहुत जल्दी न्यूज आ जाएगी, क्योंकि पठान फैमिली का बहुत जल्दी शादी वादी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हो जाएगा 3-4 साल के अंदर परदादा सलमान। अच्छा, सिर्फ पठान फैमिली से ही नहीं हूँ ना। अच्छा जी, हाँ। तो मम मराठा है जी, आधा मराठा, फिर नानी यहाँ से थी। अच्छा जी, एक और वॉरियर रेस मराठा, और फिर आधे हमारे ग्रैंडफादर वो थे जम्मू कश्मीर से, डोगरा राजपूत। तो जितने भी वॉरियर ब्लड हैं वो हमारे में, और फिर हमारी मदर, एक और मदर हैं हेलन आंटी जी, वो बर्मीज हैं जी। हाँ, तो वहां से भी जितना आया है हमारे में, पूरा मतलब एशिया कवर किया आपने। हमने नहीं, हमारे फादर ने जी। भाई आपके पास शोहरत है, ऊपर वाले की बड़ी मेहर है आपके ऊपर, कृपा है, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ है। हमने बड़ा न्यूज में भी देखते रहते हैं, जरूरतमंदों की आप हेल्प भी करते हैं। आपने कभी किससे हेल्प ली? कभी दो यार दोस्त से पैसे उधार लिए कभी? अभी तक चुका रहा हूँ सर। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम इकबाल रतन सिंह, उसके बेटे को हाल ही मैंने लॉन्च किया है जी, जहीर रतन सिंह को जी। एक बहुत बड़ी गलती हो गई बचपने में मुझसे, कि मैंने उससे 2011 रुपए ले लिए थे। अच्छा जी, इस लॉन्च में मुझसे कई ज्यादा चले गए। उस वक्त पेट्रोल भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे, हाँ। तो हमने उनसे कुछ पैसे ले लिए इकबाल रतन सिंह से के पेट्रोल के लिए, हाँ। अच्छा जी, अब वापस से इतने देने पड़े कि पेट्रोल के वापस से बातें हो गए। भाई तकरीबन 30 साल हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में जी, फैशन भी बहुत बदल गया है, सलमान भाई की पर्सनैलिटी भी समय के हिसाब से आप हमेशा नई लुक में देखते हैं। भाई आपको आज की डेट में कोई अपनी पुरानी फिल्म याद करके हंसी आती है, यार इसमें मैंने कैसे कपड़े पहने थे? सर मैंने कपड़े नहीं पहने थे उस पिक्चर में। कपड़े नहीं पहने थे? उसमें मैंने एक विग पहना था। अच्छा जी, और पूरी पिक्चर निकाल ली मैंने उस विग के अंदर, इतने लंबे ब्लॉन्ड विग जी। तो पिक्चर रिलीज हुई फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को उतर गई जी। ओह गॉश, मंडे को पता चला जब एक तस्वीर देखी मैंने कि सर के बाल ब्लॉन्ड थे और छाती के काले। पूरी पिक्चर में किसी ने नोटिस नहीं किया ये। वो एक्चुअली पिक्चर है भी शायद हमारे पास है, सूर्यवंशी होगी, हाँ हर जगह है वो तो बदनाम करने के लिए। वाओ, सुपर। भाई अभी अभी इलेक्शन होके हटे हैं, तो बड़ी सारी पार्टीज जो हैं वो बड़े फिल्म स्टार्स को, ऐसे पॉपुलर स्टार्स को जो है वो अपनी पार्टी में बुला के बोलते हैं कि हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ो। आपसे ज्यादा पॉपुलर तो कोई है भी नहीं, आपके मन में कभी नहीं आया कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ? सर मन तो बहुत आता है, फिर मैं अपने बिल्डिंग की ओर देखता हूँ। अच्छा जी, मेरे बिल्डिंग में 8 माले हैं, 8 माले में जिसमें से 3 फ्लैट हमारे हैं। अच्छी, और अगर मैं अपने बिल्डिंग में, आप चलो आप प्रधानमंत्री, मंत्री, MLA, MP, ये सब तो छोड़ ही दो सर जी, अगर मैं अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी के लिए लड़ू ना, हाँ मैं हार जाऊं सर, मुझे मेरे घर के 3 वोट नहीं मिले। वो कुछ कह रही है नीचे से, आपने क्या कहा? ये वोट होगी, एक वोट का क्या करेंगे? सीरियसली लेंगे मैं सारे लोग ना, देखो सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हम भी वोट करेंगे, हम भी वोट करेंगे। भाई आपने इतनी सारी हिट फिल्में दी हैं, ऐसे आपकी मेमोरी चेक करने को बोल रही थी अर्चना जी, बोलती आपने इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो उनके किरदारों के नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हाँ। हम आपको वन बाय वन फोटो दिखाएंगे, आप बता सकते हैं कि उनके नाम क्या थे, किरदार के नाम क्या थे? तो पहले तो हीरोइन पहचानी नहीं जाएगी, इतने साल हो गए, अभी की तस्वीर है? नहीं नहीं, सब सब है भाई, उस समय की भी है, आपकी भी है, ये वन बाय वन आपको दिखाते हैं जी, एक्ट्रेसेस के नाम तो याद हो ही सकते हैं आपको, दिखाते हैं वन बाय वन, कोशिश करते हैं। तो ये पिक्चर आप सर, इनका नाम भाग्यश्री है और पिक्चर में इनका नाम था सुमन। वाओ, ये तो कभी नहीं भूल सकता मैं, ये तो हाल ही में कल ही शूटिंग करके आया हूं मैं इसका, तो इनका नाम है सोनाक्षी देवी और पिक्चर में देवी
और पिक्चर में है रज्जू. रज्जू नेक्स्ट. ये क्या है ये तो, इसमें तो मैं खुद नहीं पहचान में आ रहा हूँ. ये वांटेड बंडाना, ये वांटेड है और इस हीरोइन का नाम है. अरे तुम लोग बोलोगे तो फिर उनका क्या टेस्ट होगा. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. नो नो नो, मैं नो चीटिंग. एक सेकंड, अभी मैं आयशा जुल्का बोलने वाला था. आयशा जुल्का के साथ ही मैंने काम किया है. आयशा टाकिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आयशा टाकिया और इनका नाम पिक्चर में था जानवी था नाम. जानवी, जानवी था नाम इनका. जानवी. नेक्स्ट. ये है करीना कपूर. ये है करीना कपूर और ये है बॉडीगार्ड की एक तस्वीर. और इनका नाम तो मैंने इनको मैडम ही बुलाया थ्रू आउट पिक्चर में. तो इनका नाम मुझे छाया. हेजल कीश का नाम छाया था. मैडम हेजल कीश भी थी पिक्चर के अंदर. अब वो युवराज की मिसेस हैं. तो इनका उसका नाम? नाम छाया था. इनका नाम था दिव्या. दिव्या और है हमारे पास जी. तो ये हम आपके हैं कौन है और इनका नाम है प्रेम. और माधुरी जी का नाम मीशा. निशा. 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 नेक्स्ट. अरे इनको तो मैंने गुजिया खिलाया है. निर्जला इनका नाम है और इनका नाम था राधे पिक्चर में. तेरे नाम में बड़े लोग राधे बन के घूमे थे इस फिल्म के बाद. हमारा कीबोर्ड वाला तो अभी बना हुआ देखना मेरे पास. ये राधे नहीं आधे. ये तो फेस तो दिखी ना, पीठ से पहचान. तो ये है तो गलत नाम नहीं ले लूं. अरे ये है कटरीना और इनका नाम था पिक्चर में सोयाबीन. जोया. जोया. तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे. भाई आइए प्लीज यहाँ पे.